न्यूज के साथ मैं हूं सुमेरा वकार। जमातुल दावा के मरकजी रहनुमा हाफिज तला सईद ने कहा है, पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो इस्तेकाम में पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जिनके अमल से इत्तेफाक की फिजा कायम हो रही है, इनको अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल खत्म करने का टारगेट लिए हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं नारंग मंडी से 87 न्यूज के नुमाइंदा उजैर भट्टी की। कुछ देकर भी कहता है हल में मजीद और मांग और मांग दुश्मनों को गवारा नहीं कि मुसलमान दुनिया में दोबारा से खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े मनसूबे बनाए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की, इत्तेफाक को खत्म करने के उन्होंने बड़े बड़े फितने खड़े किए, बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने के मनसूबे बनाए। इन फितनों ने सर उठाया, उम्मत-ए-मुस्लिमा को अपनी लपेट में लिया, उम्मत-ए-इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। उनमें मेरे मोहतरम भाइयों मुसलमान के साथ आज हसास तरीन के ख्याल से हमारा वक्त यही पाकिस्तान गुजर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है अपने अजीज पर। अल्लाह ताला ने जमात दावा जैसी जमातें इसके अंदर रखी हैं जो मुल्क के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा पैदा करने के लिए एक बड़ा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। सियासत के मैदान में भी, दावत के मैदान में भी, और हर उस काम के हवाले से जिससे पब्लिक को, कौम को, इंसानों को फ़ायदा पहुँचे, मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिक्र को, इस दावत को लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग भी अपना किरदार अदा करें, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क को ये सारी नेमतें और सारी चीज़ें उनको हासिल हों। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जमात की हिफाजत फरमाए, इसकी क़यादत की हिफाज़त फरमाए, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और उसके ख़िलाफ़ होने वाली तमाम छोटी बड़ी ज़ाहिरी और खुफिया साजिशों को अल्लाह ताला नाकाम ना मुराद फरमाए।